भाई मुख्यमंत्री को फुर्सत है क्या आज की तारीख में बिहार का ध्यान रखने की? जिसने भी धमकी दी है जांच होनी चाहिए, जो उसके कार्रवाई होनी चाहिए। अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। एक आधार पर उनको बेल मिली थी, स्वास्थ्य के आधार पर, उनका स्वास्थ्य उस वक्त उचित है। अब तो कई बार वो खुद ही इस बात को बोल चुके हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, मैं फिट कर भी दूँ। उनकी सुरक्षा के जितने संभव प्रयास हो उसे जरूर किया जाए। किसका है अगर किसी को भी ऐसी धमकी मिली है लोग एक ऐसे प्रदेश जहाँ पर आए दिन हमारे प्रदेश में आम बिहारियों की हत्या, यहाँ पर हर एक बिहारी की जान भी उतनी ही जरूरी है जितनी संभवता है केंद्रीय मंत्री की। ऐसे में अगर उनको कहीं से भी इस तरीके की धमकी मिली, मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मैं दोनों से आग्रह करूँगा कि उसकी जांच हो, गंभीर जांच हो, और जो भी कोई दोषी हो जिसने भी उनको इस तरीके की धमकी दी और उसमें संभवता से मेरे भी नाम का जिक्र आ रहा है, जिसने भी धमकी दी है जांच होनी चाहिए, जो उसके कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हर किसी की जान कीमती है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री को इस तरीके से धमकी दी और केंद्र सरकार से भी आग्रह करूँगा कि उनकी सुरक्षा के जितने संभव प्रयास हो उसे जरूर किया जाए। लेकिन ये चीजें कहाँ से कहना उचित था कि भाई इंडिया को इकबाल पारस ने भी कहा और उनकी पार्टी के ओर से भी कहा कि चिराग पासवान कहाँ से करता है? ये सब अब इसमें राजनीति मशीन है, जो लोग राजनीतिक बयानबाजी हर चीज में देखते हैं अच्छी तरह वो ऐसी बातें करते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि एक गंभीर विषय अगर किसी को धमकी मिली है तो उसकी जांच जरूर होगी। भाई मुख्यमंत्री को फुर्सत है क्या आज की तारीख में बिहार का ध्यान रखने की? वो तो तैयारी में लगे हैं, मुंबई की बैठक को देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको संयोजक बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, किसके नीचे रखा जा रहा है, किससे ऊपर रखा जा रहा है। तो तमाम तरीके के वो गणितों में वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे। आज की तारीख में मेडल ऑफ सर्वाइवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। भाजपा से एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं, भाई कितनी बार कोई पलटी मारेगा? ऐसा नहीं है प्रयास नहीं कर रहे, पर भाई एक बात जो इंसान धोखा खाता है वो दूसरी बार सोचता है कि नहीं सोचता? बीजेपी को तो आप दो दो बार धोखा दे चुके हैं, तो अभी जब आप दोबारा प्रयास कर रहे हैं तो जरूर इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए गठबंधन उनको लेकर चौकन्ना है। वहीं दो दो बार वो महागठबंधन को भी धोखा दे चुके हैं, तो ऐसे में महागठबंधन के लोग भी उनको शक की निगाहों से देखते हैं। तो इन तमाम प्रकरणों में बिहार और बिहारी का है भैया, आए दिन हत्याएं बिहार में हो रही है। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया कि भाई आंकड़े दिखाइए, उसके ठीक अगले दिन सुबह हम लोग की आंख खुलने से पहले बिहार में दो हत्याएं हो गई, उसके बाद हो गई, लगातार ये हत्याओं का श्रृंखला बना हुआ है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो खामोशी से सिर्फ टकटकी लगाए से देख रहे हैं बिहार में हत्याएं होती हैं। लालू यादव मामले में का आज बयान आया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा उन्हें सुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए पहली बात तो कोई बेचारा नहीं है यहाँ, मुख्यमंत्री जी किसी को दया का पात्र समझ रहे, और मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रदेश के, कोई वो दया के पात्र कम से कम नहीं है। उन्होंने अपनी लड़ाई सही गलत डिबेटेबल हो सकती है, पर वो अपनी लड़ाई लड़े हैं और वो लड़ना जानते हैं। ऐसे में कोई बेचारा किसी को दया का पात्र मुख्यमंत्री बनाकर अपने आप को बड़ा दिखा, पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है भाई, किनको कौन बचाता है, किनको कौन फंसाता है, ये मुख्यमंत्री जी करते होंगे, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। जहाँ तक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कोई किसी को बचाता है। भारत के कानून में कम से कम हम लोगों का इतना विश्वास है कि भारतीय कानून और खासतौर पर न्यायालय ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। भाई उनको एक आधार पर उनको बेल मिली थी, स्वास्थ्य के आधार पर, उनका स्वास्थ्य उस वक्त उचित है।
अब तो कई बार वो खुद ही इस बात को बोल चुके हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, मैं फिट कर भी दूँ। तो जब वो खुद इस बात को कह चुके हैं तो यकीनन उसके ऊपर एक रिव्यू जरूर होगा, उसके बाद न्यायालय का जो भी फैसला होगा।